पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सभी मैजिशियन की तरह से अब यार भैया थोड़ा सा प्लीज बस हमारे सारे जादूगरों को इसी प्रकार से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद शहर के जादूगर जुगनू का नाम अब एमबी बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। नई दिल्ली एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस में आयोजित नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन आईबीएम की ओर से इंटरनेशनल उत्सव का आयोजन किया गया। ये जादू उत्सव 17, 18 और 19 सितम्बर को किया गया था, जहां मुरादाबाद के नवीन नगर निवासी जादूगर जुगनू, राजस्थान से जादूगर विनोद कौशिक और इंडियन गॉट टैलेंट के मुख्य विजेता जादूगर बीएफएस रेड्डी को जादू शिरोमणि अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अपने दोनों बेटों के साथ मुरादाबाद पहुंचे जादूगर जुगनू का शहर के लोगों ने आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी और स्वागत किया। बधाई देते हुए कहा गया कि मुरादाबाद का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में जादूगर जुगनू की वजह से आया है। इस अवसर पर बात करते हुए जादूगर जुगनू ने कहा कि ये मुरादाबाद की जनता का प्यार है कि उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिस तरह शहर के लोगों ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, आगे भी उसी तरह आशीर्वाद बना रहेगा। और किस तरह के प्रयास, कितने जादूगर भी यहाँ आए थे, कितने लोगों ने? इंटरनेशनल मैजिक फेस्टिवल रहा था दिल्ली में और ये कनॉट प्लेस एनडीआरएमसी का जो कन्वेंशन हॉल है उसमें इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और देश विदेशों से लगभग 300 मैजिशियन यहाँ कलेक्ट हुए थे। इसमें 17 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सभी जादूगरों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इसका शुभारंभ जो हमारी राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उनके करकमलों द्वारा किया गया। इसमें जो मैजिशियंस होते हैं उनका कलाकारों का पूरा फीडबैक लेते हुए पूरे साल में उन 4 या 5 लोगों को जादू शिरोमणि अवार्ड प्रदान किया जाता है आईबीएम संस्था की तरफ से, जो इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन दिल्ली में है। उनके माध्यम से 5 जादूगरों को आईबीएम के द्वारा जादू शिरोमणि का अवार्ड दिया गया। मेरा भी सौभाग्य रहा, उसमें मेरा भी नाम उसमें शामिल रहा। साथ ही साथ वहाँ गाला शो के भी आयोजन किए गए, कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए और एक सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि आईबीएम के द्वारा मैजिक की दुनिया में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब ओएमजी बुक रिकॉर्ड भी उन्होंने अभी ये हासिल किया है, जिसमें सभी जादूगरों के नाम शामिल हैं। और ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है, ये रिकॉर्ड जो बना है ये एक साथ सामूहिक रूप से बना है, जिसमें 101 मैजिशियनों ने हिस्सा लिया, यानी कि 101 जादूगर उसमें शामिल रहे और एक कन्वेंशन हॉल के अंदर उन्होंने एक साथ खाली हाथों से बड़े फ्लैग प्रोडक्शन किए और एक साथ वो प्रोडक्शन एक टाइम में एक बार में एक साथ सभी फ्लैग्स प्रोडक्शन किए, स्टिक प्रोडक्शन की, और ये रिकॉर्ड कायम किया है ओएमजी की टीम ने। इसके बाद सभी जादूगरों ने 2-2 मिनट का अपना वहाँ ओएमजी की टीम के सामने अपना परफॉर्मेंस दिया। ये काफ़ी लंबे अंतराल तक चलता रहा और सभी जादूगरों ने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में किया। मेरे दोनों बेटे अनुभव
और अंकुश, उन्होंने भी दोनों ने OMG बुक रिकॉर्ड में हिस्सा लेकर अपना नाम दर्ज कराया। तो आज किस तरह की मेहनत रहती है और मेहनत देखिए, जादू मेरा जो अपना पूरा क्रिएशन रहा है वो रहा है अंधविश्वास को दूर करना। मैं भारत सरकार का भी मैजिशियन हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक रजिस्टर्ड कलाकार हूँ और भारत सरकार का भी रजिस्टर्ड कलाकार हूँ। उस माध्यम से मैं ज़्यादातर मेरा जो अपना प्रयास रहा है अंधविश्वास को दूर करने का रहा है, और उसके उस पर भी मैंने बहुत काम किया है और अंधविश्वास को दूर भी किया है। इसके लिए मेहनत कंटिन्यू करने लगती है। देखिए, जादू ना तो दस उंगली, जादू है दस उंगलियों का चमत्कार और विज्ञान की कला। इसकी परफॉर्मेंस दिखाने के हमें, चाहे हमारा लाइट इफेक्ट्स हो, हमारा कॉस्ट्यूम इफेक्ट्स हो या म्यूज़िक इफेक्ट्स हो, हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं उसको दिखाने के तौर तरीके ऐसे होते हैं कि लोग सामने वाले आपसे खुश रहें, आपका जादू देखते रहें, आपकी कला देखते रहें।